भगवान का न्याय बड़ा विचित्र है। अहंकारियों को आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने चुनाव नतीजों को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने भाजपा पर इशारों इशारों में निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भगवान का न्याय सब पर भारी होता है, चुनाव में भी यही दिखा। इंद्रेश कुमार ने भाजपा को इशारों इशारों में अहंकारी और इंडी गठबंधन को राम विरोधी कहा। आरएसएस नेता ने कहा कि जिन्हें अहंकार आ गया था उनको प्रभु ने सबसे बड़ी पार्टी तो बनाया लेकिन पूरा हक नहीं दिया। लोकसभा चुनाव में आए नतीजों के बाद भाजपा निशाने पर है। चुनाव में बहुमत से दूर रही भाजपा को लेकर अब मोहन भागवत के बाद आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने बड़ा बयान दिया। इंद्रेश कुमार ने भाजपा को इशारों इशारों में अहंकारी और इंडी गठबंधन को राम विरोधी कहा। इंद्रेश कुमार ने आगे कहा कि प्रभु राम सभी के साथ न्याय करते हैं, उनका न्याय बहुत विचित्र है जो 2024 के चुनाव में भी देखा। आरएसएस नेता ने कहा कि जिन लोगों ने राम की भक्ति की लेकिन उनमें अहंकार आ गया तो उनको प्रभु ने सबसे बड़ी पार्टी तो बनाया लेकिन वो शक्ति और पूरा हक नहीं दिया जो मिलना चाहिए था, ये सब अहंकार के कारण हुआ। इंद्रेश कुमार ने आगे कहा कि जिन लोगों ने राम का विरोध किया उन्हें भी प्रभु ने सबक सिखाया, किसी को शक्ति नहीं मिली, चाहे सब मिलकर लड़े लेकिन वो एक नंबर नहीं बने और दो पर अटक ही गए। यही प्रभु का न्याय है जो बहुत विचित्र और आनंददायक है। इंद्रेश कुमार का ये बयान जयपुर के पास कानोता में आयोजित रामरथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह में एक भाषण के दौरान आया। उन्होंने किसी पार्टी का नाम तो नहीं लिया लेकिन इशारों इशारों में सब कुछ कह दिया। भगवान राम भेदभाव नहीं करते। आरएसएस नेता ने आगे कहा कि भगवान राम किसी से भी भेदभाव नहीं करते हैं और न ही किसी को दंडित करते हैं। राम सभी के साथ न्याय करते हैं क्योंकि वो न्यायप्रिय हैं।